हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो में मैं सबको दिखाऊंगा हाउ टू गेट कंटिन्यूस फर्स्ट 10, 14 कंटिन्यूस फर्स्ट 10, वो भी करंट प्ले स्टोर वर्जन कैनबोर्ड में। दोस्तों, ये वीडियो देखने में आपको आइडिया मिल जाएगा हाउ टू मेक कॉइन्स इन कैरमबोर्ड एंड हाउ टू गेट ऑलवेज फर्स्ट 10 इन कैरमबोर्ड। ये दोनों सवाल का जवाब ये वीडियो में है। एंटायर वीडियो देखो, कभी मिस ना करो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कॉइन्स मेकिंग कैसे करना है एंड हार्ड ब्रेक टू फिनिश गेम भी है। ये मेरा टर्न था, इसीलिए मैं जस्ट रिफ्रेश करना है मैच के, नेक्स्ट मैच आने के पहले ये रिफ्रेश करके आना, तो सबको 10 मेरे जैसा मिलेगा। देखो, ये मैच आने के पहले ओपनर को थोड़ा कंटिन्यूस 10 मिल रहा था। वो टाइम में मैं दुबई और मुंबई प्ले कर रहा था, तो ओपनर को सारा 10 ने दे दिया दुबई से। ये ट्रिक सिंपल है, कंटिन्यूस ओपनर का 10 टाइम में मुंबई और स्मॉल स्टेज प्ले करके देना है एंड कंटिन्यूस 10 हमको मिलने का टाइम बिग स्टेज जाकर हम सारा रिसीव करना है। ये ट्रिक कैरम बोर्ड में ऐसा टफ सिचुएशन आएगा, वो सिचुएशन कैसे हैंडल करना है मैं दिखाऊंगा। देखो, ये सब मारना है तो सब खुलकर मिलेगा, तो किसी भी डिफिकल्ट स्टेज में आप फंस गए तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से खेलना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं तो भी एक रास्ता ढूंढो, वहाँ रास्ता मिल जाएगा आपको। देर इज ए विल, देर इज ए वे। ये मैच भी हम जीत चुका है, ये भी मेरा 10 था, इसीलिए रिफ्रेश करके नेक्स्ट मैच जाना है। आप भी ऐसा रिफ्रेश करके जाना अगर आपको 10 है तो, अगर आपको 10 नहीं है तो बिना मिनिमाइज करके जाना। ओके, ये मैं फ्री स्टाइल चूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कंटिन्यूस 10 आ रहा है, मैं जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट मैच जाऊँगा। ये भी मेरा 10 था, तो ये भी रिफ्रेश करके नेक्स्ट मैच जाना है। ओके, अभी मैं कैरम बोर्ड चूज़ करूँगा, कैरम बोर्ड में कनेक्ट हो गया, 10 भी हमको मिल गया। दोस्तों, ये पैटर्न राइट एंड में लेफ्ट टू राइट ये सब ब्रेक करना है। ये अकेले वाला पक्ष है ना, वो राइट टॉप में ऐसा स्प्लिट शॉट करना, सेंटर स्प्लिट करने के लिए। इसके बाद वो यहाँ लेफ्ट साइड में पक्ष है ना, वो लेफ्ट साइड में ऐसा टीप कट, यहाँ थोड़ा एंगल शॉट में किस शॉट ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा खुलने के लिए, अभी तक खुला नहीं, तो एक और शॉट भी है मेरे पास। यहाँ से ये पक्स में ऐसा फोल्ड करूँगा तो स्ट्राइकर यहाँ इस तरह आ जाएगा। देखो, अब तो सारा रास्ता क्लियर है, इसलिए फिनिश करूँगा नेक्स्ट मैच। क्या ट्रिक यूज़ करके 10 ग्रैब करना है वो भी मैं दिखाऊँगा, थोड़ा वेट करो। ये थोड़ा दोनों पक्ष बाकी है, ये मैं यहाँ से किस शॉट ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि रेड भी क्लियर करने के लिए बाकी था, अभी क्लियर हो गया। ओके, रेड यहाँ से मैं एक कनेक्शन शॉट मारूँगा, इसी शॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट पक इसलिए पॉट हो जाएगा, मगर यहाँ से एंगल करना है, एंड में ऐसा एंगल करना है, नहीं तो ऊपर वाला पक्ष में टच हो जाएगा। ये भी हम जीत चुका है, ये भी मेरा 10 था, इसलिए मिनिमाइज करना मत भूलिए। ऐसा सोच कर प्ले करेंगे तो कॉइन्स बड़ा हो जाएगा। कॉइन्स अपने पास रखना वो आसान नहीं है, वो भी सीखने को मिलेगा ये वीडियो में। ये मेरा 10 देखो, फिर भी मेरा विनिंग स्ट्रिक देखो 9, वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया पहले, मगर ये वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूस 10, 14। यह सारा पक्स ब्लॉक है, तो मैं कैसे सारा ब्लॉक हटा देगा वो देखो। ज़बरदस्त शॉट है, देखो यहाँ से एक कनेक्शन शॉट मारूंगा, वहाँ टॉप लेफ्ट में क्लियर करने के लिए, देखो रास्ता क्लियर है। नेक्स्ट मैं यहाँ से एक कनेक्शन शॉट मारूंगा रेड निकलने के, रेड ओपन कर चुका है, तो रास्ता सारा क्लियर है। अभी
जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट मैच जाऊंगा। ये भी हम जीत चुका है। ये नेक्स्ट मैच जाने के पहले क्या ट्रिक यूज़ करना है देखो, किसके साथ कनेक्ट। ओ जावेद भाई, वर्ल्ड नंबर वन क्लैश ऑफ लेजेंड चैम्पियन के साथ किसको टेंट मिलेगा? मुझको मिल गया। वाओ ग्रेट ट्रिक, माय ट्रिक इज़ वर्किंग। ये यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा, ये लेफ्ट साइड ब्रेकिंग है, टॉप राइट टू लेफ्ट ये से ब्रेक करूँगा। उसके बाद मेरा विनिंग स्ट्रीक देखो, 10 विनिंग स्ट्रीक इन न्यूयॉर्क। शॉट यहाँ से मैं एक एज में करना है, नहीं तो वो ऊपर टच हो जाएगा। देखो कैसा किया। उसके बाद यहाँ से कनक शॉट मारूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होने वाले गेम प्ले है। देखो ये जावेद भाई को एक चांस मिलेगा। मैंने एक गलत किया, ये शॉट का कोई ज़रूरत नहीं था, ये शॉट में इतना एंगल से नहीं करना था, स्लो से करना था। जावेद भाई को भी एक मिस हो जाएगा, वो ठीक से देखना। जावेद भाई को एक मिस हो जाएगा, वो पक से ना वो साथ में फंस गए, दोनों पक से ना वो सीधा पॉकेट जाएगा स्लो से हिट करेंगे तो। मगर उसका स्ट्राइकर प्लेसिंग थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए फॉलो गए उसका। देखो ये स्ट्राइकर पोजीशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, वाइड एंगल से करना पड़ेगा ये शॉट। भाई का फॉल हो गया, मुझको चांस वापस मिल गया। नेक्स्ट कौन सा ट्रिक यूज़ करके फर्स्ट एंड ग्रैब करेगा देखो। ये भी बिन चुका है। नेक्स्ट मैच कैसे टेंड करना है तो रिफ्रेश करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा टेंट था। रिफ्रेश किया, न्यूयॉर्क में करूंगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत सारे प्लेयर्स है, सिंगापुर में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। ऑलरेडी प्लेयर आ जाएगा, हमारा टेंट उसको मिलेगा, तो इसीलिए मैं न्यूयॉर्क खेल रहा हूँ। कॉइंस मेकिंग के लिए न्यूयॉर्क सबसे अच्छा स्टेज है। सिंगापुर से कॉइंस मेकिंग ईजली हो जाएगा, मगर ईजली कॉइंस लॉस भी हो जाएगा, तो ये मेरा टेंट था इसलिए मिनिमाइज करना। अब तो मेरा विनिंग स्ट्रिक देखो, 12 कंटिन्यूस विनिंग फर्स्ट टेंट। रिफ्रेश किया क्योंकि मेरा टेंट। बहुत रो रहा है, नो प्लेयर है, को मैं फाउल करके गेम दे दूंगा। ज़्यादा कॉइन है मेरे पास इसलिए दे रहा हूँ, कॉइन्स नहीं तो नहीं दे दूंगा। ये दूसरा मैच है, ये मेरा टर्न है, ऐसे मैं सेफ खेलूँगा। ये मैच मैं विन चुका है चंदन के साथ, ये भी मेरा टर्न था इसलिए मिनिमाइज करके रिफ्रेश। एक और न्यूयॉर्क लास्ट गेम है। देखो फ्रेंड्स, फिर भी मेरा टेंट।